नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहपुरा के समीप बेहता सेवा सहकारी संस्था शहपुरा क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन द्वारा चल रही गेहूं खरीदी में अनियमितताएं सामने देखने को मिली। सोसाइटी में किसानों से प्रत्येक क्विंटल पर पल्लेदारी के नाम पर 30 रुपए लिए जा रहे हैं, जिससे किसानों को सीधा नुकसान हो रहा। गेहूं खरीदते समय तोल में लगे पल्लेदारों के मुंह पर और किसानों के मुंह पर मास्क नजर नहीं आ रहे थे। लोकल डिस्टेंस तो बहुत दूर की बात, किसान पल्लेदार एक दूसरे से जकड़े हुए खरीदी में लगे हुए। गेहूं खरीदते समय कोरोना वायरस को लेकर कोई स्तर पर सतर्कता का पुख्ता इंतजाम नहीं है। नजर आ रही शहपुरा से लगा हुआ पाटन मात्र 16 किलोमीटर की दूरी और जहां से खरीदी केंद्र वहां से पाटन की दूरी मात्र 10 किलोमीटर। हाल ही में पाटन में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन सोसाइटी में कोरोना वायरस को लेकर कोई सजगता नहीं रखी जा रही। चार चार कर्मचारी लगे हैं। 30 में क्या क्या रहता है? इसमें सब लोडिंग अनलोडिंग सब वही पल्लेदार करते हैं। स्टेटिंग वगैरह सब पूरा यहाँ से तुलाई से लेके बिल्कुल पूरा अंदर तक रखना पूरा पूरा 30 है। हाँ, उसमें कर्मचारी भी हैं जो प्राइवेट अपन लगाए हैं। हाँ, उनको भी देना पड़ता है। जी, उनको कितना देना पड़ता है? उनको 6,000 रुपये। 6,000 रुपये नहीं, कितने कर्मचारी हैं? वो हैं चार। चार कर्मचारी 30 रुपये जो आप लोग ले रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है? अभी तो सब किसान ही दे रहे हैं, हम तो किसी से लेते नहीं हैं पैसे। सब किसान दे दे के अपने अंदर करा रहे हैं। किसको देते किसान? वो पल्लेदारों को, डायरेक्ट पल्लेदारों को। पल्लेदारों को तो प्रशासन से मिलना चाहिए पैसा, फिर व्यवस्था कैसे बने आप बताओ। अंदर भी कराना है और अभी यहाँ से सहपरा भी ले जा रहे हैं, जेपी वेयर हाउस यहाँ से भी गया है। वो है यहाँ से 5 तो सहपरा है और 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, 6 किलोमीटर। शहपुरा भिटौनी से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट।